मणिकरण गुरुद्वारा। मणिकरण भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में कुल्लू जिले के भुंतर से उत्तर पश्चिम में पार्वती घाटी में व्यास और पार्वती नदी के मध्य में बसा है। यह समुद्र तल से 1760 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और कुल्लू से इसकी दूरी लगभग 35 किलोमीटर है। जहां एक ओर शिव मंदिर है तो दूसरी तरफ गुरु नानक देव जी का ऐतिहासिक गुरुद्वारा। नदी से जुड़े होने के कारण दोनों ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों का वातावरण बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ता है। यहाँ मंदिर व गुरुद्वारे के विशाल भवनों से लगती हुई बहती है पार्वती नदी, जिसका वेग रोमांचित करने वाला होता है। एक तरफ नदी का पानी बर्फ के समान ठंडा होता है और दूसरी तरफ नदी के दाहिने ओर गर्म जल के से उबलता स्रोत नदी से उलझते हुए दिखाई देता है। जन्म सखी और ज्ञानी ज्ञान सिद्ध द्वारा लिखित त्वारिक गुरु खालसा में इस बात का उल्लेख है कि गुरु नानक ने भाई मर्दाना और पंच प्यारे के साथ यहाँ की यात्रा की थी, इसलिए पंजाब से बड़ी संख्या में लोग यहाँ आते हैं। पूरे वर्ष यहाँ दोनों समय लंगर चलता है। गुरुद्वारा मणिकरण साहिब गुरु नानक देव की यहाँ की यात्रा की स्मृति में बना था। मणिकरण अपने गर्म पानी के चश्मों के लिए भी प्रसिद्ध है। देश विदेश से लाखों पर्यटक यहाँ बार बार आते हैं। विशेष रूप से ऐसे पर्यटक जो चर्म रोग या गठिए जैसे रोगों से परेशान हैं, वे यहाँ आके अपने रोगों से निजात पा लेते हैं। ऐसा माना जाता है यहाँ उपलब्ध गंधकयुक्त गर्म पानी में कुछ दिन स्नान करने से ये बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। यार बहुत गर्म पानी है यार। कहते हैं कि गुरु नानक देव जी ने अपने भाई मर्दाना को लंगर बनाने के लिए कुछ दाल और आटा मांगकर लाने के लिए कहा था। अब गुरु के लिए समस्या यह था कि खाना पकाने के लिए कोई आग नहीं थी। गुरु नानक ने मर्दाना को एक पत्थर उठाने के लिए कहा और ऐसा करते ही एक गर्म पानी का झरना निकल आया। निराश मर्दाना ने चपातियों को पानी के झरने में डाल दिया। गुरु नानक द्वारा निर्देश देने पर मर्दाना ने भगवान से प्रार्थना की और बोला, अगर उसकी चपाती वापस पानी पर तैर आई तो वो एक चपाती भगवान को दान देगा। जब मर्दाना ने प्रार्थना की तो सभी चपाती पकी हुई पानी पर तैरने लगी। गुरु नानक देव जी ने कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के नाम पर दान देता है तो उसका डूबा हुआ सामान वापस तैरने लगता है। इन्हीं गर्म चश्मों में गुरुद्वारा के लंगर के लिए बड़े बड़े गोल बर्तन में चाय बनती है, दाल व चावल पकते हैं। कहते हैं कि इस पानी की चाय बनाई जाए तो आम पानी की चाय से आधी चीनी डालकर भी दो गुनी मीठी हो जाती है। पर्यटकों के लिए सफ़ेद कपड़ों की पोटली में चावल डालकर धागे से बांधकर बेचे जाते हैं। विशेषकर नव दंपत्ति इकट्ठे यहाँ धागा पकड़कर चावल उबालते हैं। एक मान्यता यह भी है कि मनु ने यही महाप्रलय के विनाश के बाद मानव की रचना की थी। कहा जाता है कि कुल्लू के राजा ने अयोध्या से भगवान राम की मूर्ति लाकर यही स्थापना की थी। यहाँ पर भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु और भगवान शिव के मंदिर हैं। हिंदू मान्यताओं में यहाँ का नाम इस घाटी में शिव के साथ विहार के दौरान माता पार्वती के कान की बाली खो जाने के कारण पड़ा। चलिए अब आपको इसके पीछे पौराणिक मान्यताओं को बताते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मणिकरण ऐसा सुंदर स्थान है जहाँ भगवान शिव और माता पार्वती ने करीब 11,000 वर्षों तक तपस्या की थी। माँ पार्वती जब जल क्रीड़ा कर रही थी तब उनके कान में लगे आभूषण की दुर्लभ मणि पानी में गिर गई थी।
भगवान शिव ने अपने गणों को इस मणि को ढूंढने के लिए कहा, लेकिन तमाम कोशिश करने के बावजूद भी मणि नहीं मिली। इससे भगवान शिव बेहद क्रोधित हुए। यह देख देवता भी कांप उठे। भगवान शिव का ऐसा क्रोध बढ़ा कि उन्होंने तीसरा नेत्र खोल लिया, जिससे एक शक्ति पैदा हुई। उसका नाम नैना देवी पड़ा। नैना देवी ने बताया कि दुर्लभ मणि पाताल लोक में शेषनाग के पास है और सभी देवता शेषनाग के पास गए और मणि मांगने लगे। देवताओं के प्रार्थना पर शेषनाग ने दूसरी मणि के साथ इस मणि को भी लौटा दिया। हालांकि वह इस घटनाक्रम से बेहद नाराज हुए। शेषनाग ने जोर की फुफकार बढ़ी, जिससे इस जगह पर गर्म जल की धारा फूट पड़ी। मणि वापस पाने के बाद माता पार्वती और भगवान शिव बेहद प्रसन्न हुए। तब से इस जगह का नाम मणिकरण पड़ा।